मेरा नाम है शाहबुद्दीन और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि आर्मी वालों का जेसीबी इंटरव्यू कैसे होता है जेसीबी ऑपरेटर के लिए। ठीक है, इस वीडियो में बने रहे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और ये जो इंटरव्यू होगा ये एक एग्जाम भी, इसको आप समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम और इंटरव्यू भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधा इंटरव्यू देखते हैं। मुरलीधरन, स्टेट कौन सी है? तमिलनाडु। जो हाइड्रोल सिस्टम है मालूम है आपको सारा कुछ? हाँ, ये बकेट है, ये हाइड्रोलिक सिलेंडर, वो भी हाइड्रोलिक सिलेंडर है, वो डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर है, वो हाइड्रोलिक टैंक है। जिसे जो ये फ्रंट टायर है, हवा 40 PS है। ओके, साइज? साइज 12 M। ओके गुड, ओके थैंक यू फाइन, वेलकम सर। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से इंटरव्यू होता है। ये दरअसल एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, आप यानी कि आपको सामने में रह के सारा चीज़ वहाँ पे पूछा जाता है कि क्या क्या सिस्टम है जेसीबी के बारे में। तो अगर आप वहाँ पे पास हो गए तो वहाँ पे आपको जो है सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप वहाँ पे ऑपरेटर बन जाते हैं। तो इसी तरीके से कुछ जो है इंटरव्यू होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। और बाकी आज की वीडियो में इतना ही फिलहाल, अब नेक्स्ट वीडियो में आएगी कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है आर्मी में जेसीबी ऑपरेटर के लिए, उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ठीक है, बाकी आप किसी भी तरीके का टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं नीचे, मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना फिलहाल, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।